श्री सीताराम सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू महारानी जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम। हमारे ग्रंथों में, वेद में, पुराणों में, उपनिषद में, सभी में, शास्त्रों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा जीव के कल्याण के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और सभी साधन अपने स्थान पर ठीक भी हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। कहा भी है, नख से सिक तक रोए जेते, विधना के मारग हैं तेते। नाखून से लेकर शिखा तक, मस्तक तक, मानव शरीर में जितने रोए हैं, कितने रोए हैं आप खुद विचार कीजिए, जितने रोए हैं भगवान को प्राप्त करने के भी उतने ही मार्ग हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अमुक मार्ग पर चल रहा हूं, मैं ही भगवान को प्राप्त करूंगा, तुम उस मार्ग पे चल रहे हो, तुम नहीं कर सकते। सुदामा जी को भगवान की प्राप्ति हुई है ना, और जो सुदामा जी को भगवान की प्राप्ति हुई वो भक्ति अलग है, और उतना को भगवान की प्राप्ति हुई उसकी भक्ति अलग है। तो किसका मार्ग उचित है, किसका मार्ग उचित नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए जीव जिस मार्ग में लगे उसी मार्ग का निष्ठा से अनुसरण करे और दूसरे के मार्ग की कभी भी आलोचना नहीं करे, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं और हर मार्ग पर चलने वाले भक्त हुए हैं और सभी मार्ग पर चल के सबको भगवान की प्राप्ति हुई है। अपने अपने भाव के अनुसार सबने ही भगवान को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सबने अपने 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 भाव के अनुसार भगवान का दर्शन किया और अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को प्राप्त किया, है ना, सबने ही प्राप्त किया। लेकिन फिर भी वो एक होकर भी अनेक हैं। अनेक तत्व तो हैं, अनेक अनेक रूप हैं उनके, लेकिन तत्व क्या है, एक है। इस प्रकार पानी, बर्फ और वाष्प भाव तीनों अलग अलग है ना, लेकिन क्या है, एक ही जल तत्व है तीनों में, और तीनों रूपों में होकर भी एक ही है। तीनों के नाम, रूप, काम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तीनों का जो तत्व है वो एक है। इसी प्रकार जो भगवान है वो एक होकर भी अनेक रूपों में भक्त के भाव के अनुसार प्रकट हो जाते हैं, और उस भगवान के नाम भी अनेक हैं और उनको प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं, है ना। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा है ना, सुमिरन सुमिरन उत्तरं पारा, नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नाम का ही बल कहा गया, क्यों, क्योंकि कलयुग में आप आसपास का वातावरण देख ही रहे हैं, मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है। सतो गुण तो मनुष्य की बुद्धि में दिखता ही नहीं है कि सतो गुण कहीं भी है, पूरी तरह से रजोगुण और तमोगुण केवल यही है जीव। और रजो और तमोगुण के जो प्रभाव है उसके कारण जो मनुष्य है वो कठिन साधन नहीं कर पाता, उसको हर चीज आसान चाहिए, कठिन साधन होगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि ऐसी हो गई है, विचार ऐसे हो गए हैं, तो उसके लिए एक सरल मार्ग होना चाहिए जिस पर आसानी से चल सके। तो भगवान की प्राप्ति के अनेक साधन में एक यही एक ऐसा साधन है जिसको कलयुगी जीव सरलता से कर सकता है ना, भगवान के नाम का जप।
इससे सरल कोई भी साधन किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में, पुराण में, संत वाणी में, महापुरुषों की वाणी में दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, संतों ने इस घोर कली काल में जीव के कल्याण के लिए केवल और केवल भगवान नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही सर्वश्रेष्ठ है कली काल में। तो गोस्वामी जी के विनय पत्रिका में क्या कहते हैं, नाहिन आवत आन भरोसो, मुझे किसी और का भरोसा होता ही नहीं है, एकमात्र रघुनाथ जी की शरण को छोड़कर मुझे किसी अन्य साधन का भरोसा ही नहीं है। करने की बात तो छोड़ दो, कोई करेगा तो तब जब भरोसा होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमें भरोसा ही नहीं है, नाहिन आवन आवत आन भरोसो। तो गोस्वामी जी महाराज आपको भरोसा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि साधन नहीं है कली काल में। तो गोस्वामी जी ने कहा हमने कब कहा कि साधन नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि साधन नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई साधन है लेकिन हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि वो साधन साधन कैसे हैं, यही कलिकाल सकल साधन तरु, यही कलिकाल सकल साधन तरु, सकल सब साधन तरु अर्थात वृक्ष। वृक्ष में कितने पत्ते हैं, कितनी उसकी डालियां हैं, कौन गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता ना। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसी प्रकार से ये कलिकाल सकल साधन तरु, सभी प्रकार के साधनों का वृक्ष कलिकाल है। ये कलिकाल रूपी वृक्ष पर हर प्रकार का साधन है, हर प्रकार का साधन है, जितनी पत्तियां हैं उतने साधन हैं। लेकिन उस वृक्ष पर जो फल आ रहा है उन साधनों से निकल के वो क्या आ रहा है, यह कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फल निफरोसो। कोई भी साधन आप करने जाएंगे तो साधन के बदले में आपको प्राप्त क्या होगा, है श्रम फल निफरोसो। उस साधन के करने के बाद जो फल के रूप में आपको प्राप्त होगा वो केवल उस साधन को करने का श्रम ही प्राप्त होगा। अर्थात आप कुछ भी कर लें वो साधन फल देने वाला इस कली काल में नहीं है। तप तीरथ उपवास दान मख जही जो रुचि करो सो, आपको तप में रुचि है, तीर्थों में रुचि है, है उपवास करने में आपकी रुचि है, व्रत रखते हैं, दान में रुचि है, यज्ञ में रुचि है, यही जो रुचि करो सो, तुम्हारी जिसमें रुचि हो तुम वो करो, तुम्हारी जिसमें रुचि है वो करो। लेकिन तुम सोचो कि इसको करके हम कुछ प्राप्त कर लें, नहीं। सुख सपने होना जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरोसो, इन साधनों को करने से केवल रोग ही हाथ लगेगा, शरीर में थकान ही आएगी और तुम्हें कुछ भी इन साधनों को करके प्राप्त नहीं होगा। तो नाहिन आवत आन भरोसो, गोस्वामी जी कह रहे हमें तो भरोसा होता ही नहीं है। इस कली काल में कर्म कांड है ना, भक्ति कांड, विवेक अर्थात ज्ञान, ये तीनों ही नहीं सद पाते। क्यों नहीं, कली कर्म न भक्ति है ना, नहीं कली कर्म कर्मकांड न भक्ति विवेकु, न भक्ति न ज्ञान, तीनों ही जीव से सद नहीं पाते। तो वे करें क्या, राम नाम अवलंबने को, केवल एकमात्र नाम का ही बल है, केवल एकमात्र नाम का ही सहारा है और इस नाम के सहारे ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक बार एक सिद्ध मंडली गोस्वामी जी से सत्संग करने के लिए आई, आकाश मार्ग से जा रहे थे तो गोस्वामी जी के सत्संग का लाभ लेने के लिए आए। गोस्वामी जी के पास आए, पूछा कि इस घोर कली काल में भी आपको माया नहीं व्याप्ती, आप इस माया से कैसे बचे, इसका क्या कारण है, ये आपके योग का प्रभाव है या ज्ञान का प्रभाव है या आपकी भक्ति का प्रभाव है, क्या है ये। तो गोस्वामी जी ने पता है क्या कहा, गोस्वामी जी ने अपनी भक्ति का भी दंभ नहीं भरा, योग है, योग न भक्ति न ज्ञान बल,
केवल नाम आधार। मुनि उत्तल सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। योग न भक्ति न ज्ञान बल, हमें योग भक्ति और ना ही ज्ञान का ही बल है। बल है तो केवल अपने रघुनाथ जी का। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, केवल एक वो ही है। चारों युगों में नाम का प्रभाव है, लेकिन कलिकाल में कली विशेष नहीं आने पाओ। कलिग में तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं कि भाई ना ही न आवत आन भरोसो, मुझे किसी दूसरे साधन का कोई भरोसा है ही नहीं, ना ही मैं करना चाहता हूं, मुझे भरोसा भी नहीं है, ना ही मैं करना चाहता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि राम नाम वोहित भवसागर चाहे तरण तरोसो। हमारे लिए तो इस संसार सागर से पार करने का साधन केवल राम नाम है, हमें दूसरा नहीं चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने अंतिम उपदेश में केवल नाम के लिए कहा, केवल नाम की बात। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए, वही नाम जपो, एकमात्र यही आसरा है, यही सबसे सरल है। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना, कोई मतलब क्या शब्द कहें, किसी प्रकार के कर्मकांड में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने यज्ञ नहीं किया, हमने कोई व्रत नहीं किया, हमने कोई तीर्थ नहीं गए, हम किसी तीर्थों में जाके हमने स्नान नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कली काल में नाम से ही सब कुछ सुलभ हो जाएगा, नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक नाम जब कर लिया ना, तो कली काल में सब कुछ कर लिया, कुछ भी शेष रहने वाला कली काल में नहीं है। केवल नाम, केवल नाम और केवल नाम। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं।